प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब सिर्फ 6 से 7 घंटे में होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर। 296 किलोमीटर लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई तरह का लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की योजना पर बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उठाए सवाल। एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलता हुआ बना है। गुजरात दंगा मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा। अपने हलफनामे में कहा, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीति सलाहकार ने दिए थे लाखों रुपए। बीजेपी का तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश थी। कांग्रेस के कहने पर तीस्ता ने सब कुछ किया। उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जब भी गुजरात का चुनाव आता है बीजेपी नई थ्योरी ले आती है। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का पलटवार। कहा, चुनाव से पहले ऐसा होना ही था। मेरे पिता अब जीवित नहीं हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। मैं पिछले 1.5 साल से देखती हूँ, बार बार उनका नाम कहीं भी कुछ भी हो डाल देते हैं, क्योंकि आज वो है नहीं। डिफेंड करने के लिए तो बहुत ही आसान है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। पीएससी की बैठक में हुआ फैसला। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई और सब ने एक मत से तय किया कि हम विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। हमारे सारे विधायक सारे सांसद यशवंत सिन्हा जी को वोट करेंगे। संसद भवन परिसर में धरना और प्रदर्शन पर रोक पर बोले कपिल सिब्बल, सरकार धीरे धीरे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बंद कर देगी। इनकी मंशा ये है कि कोई विरोध ना हो। आप कहीं भी प्रोटेस्ट करना चाहो तो इनकी अनुमति चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो सकता है कि सारे देश में प्रोटेस्ट बैन हो जाए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जो इनकी मंशा है उसकी स्वीकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ये भी नामकरण दिया है। लोक नेता दीबा पाटिल नवी मुंबई एयरपोर्ट विमानतल ऐसा भी नाम देने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल बैठक में ली हुई है। यूपी के रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, दोनों की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और डूंगरपुर मामले में हुई पेशी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने कहा, जुर्म किया ही नहीं है तो कबूल क्या करेंगे। जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेंगे। बिहार के आरा में लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अरुण यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। नाबालिग से रेप केस में लंबे समय से चल रहे थे फरार। कोर्ट ने अरुण यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विरोध। भारी संख्या में लुलु मॉल पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में लुलु मॉल के बाद अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। 14 जुलाई को शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर युवक ने पढ़ी नमाज। लोगों ने किया विरोध तो हुई कहा सुने।
राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद भी लोगों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी। धान मंडी इलाके में दो व्यापारियों को व्हाट्सएप पर मिली जान से मारने की धमकी। दोनों व्यापारियों को धमकी मिलने के बाद उनकी दुकानों के बाहर पुलिस की गई तैनात। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। आतंकी खतरे को देखते हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। यूपी के अमरोहा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध मदरसा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। आंध्र प्रदेश के पालनाडु के एक मदरसे में दूषित खाना खाने से एक छात्र की मौत, पांच की हालत गंभीर। पांचों को बेहतर इलाज के लिए शहर के अस्पताल में किया गया रेफर। हैदराबाद में 66 किलो गांजा जब्त। सिटी पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में दिखी आरपीएफ जवान की जांबाजी। ट्रैक पर ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले रेलवे लाइन पर गिरा शख्स, जवान ने बचाई जान। देहरादून में जाखन नदी में नहाने के दौरान 16 साल के लड़के की डूबकर मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लड़के का शव किया बरामद। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस आए सामने और 56 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,40,000 के पार हुए। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। खराब मौसम की वजह से सुबह पहलगाम और बालटाल में यात्रा रोक दी गई थी। श्रीलंका में शुरू हुई सदन की कार्यवाही। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे को औपचारिक रूप से संसद में पेश किया गया। कल स्पीकर ने गोटबाया के इस्तीफे का औपचारिक ऐलान किया था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने खुद का किया बचाव। कहा, पूरी क्षमता के साथ मातृभूमि की रक्षा की और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। गोटबाया ने अर्थव्यवस्था खराब होने के लिए कोरोना और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया। श्रीलंका में एनपीपी नेता अनुरा कुमारा लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। समर्थकों में खुशी की लहर। श्रीलंका में 20 जुलाई को है राष्ट्रपति चुनाव। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। चार राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।